भाई बहुत ज्यादा छोटा हो गया रोड, नीचे खाई यहाँ पे ऊपर खाबर रोड और भैंस भाई ऊपर से पानी भी टपक रही है, देखो बूंद बूंद टपक रही है ऊपर से पानी। ओ भैंस की आँख, अरे यार सिट। ओ भाई काम खराब हो गया यार, काम खराब हो गया, गीला हो जाऊंगा। इधर से थोड़ा स्पीड में निकालना पड़ेगा नहीं तो मैं गीला हो जाऊंगा। इधर से निकालूंगा यार, स्पीड में भी निकाला सारा नीचे गिन। चलो यार इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, मैं गीला नहीं होना चाहता, यहाँ यहाँ से निकालूंगा थोड़ा स्पीड में, यार जूते भी गीले हो जाएंगे भैंस के। ओहो भाई साहब देख रहे हो झरने, कभी रोड पे, कभी रोड के बगल में, कभी रोड के ऊपर से हमारे सर के ऊपर से बह रही है। फाइनली अपनी बाइक को लेकर पहुंचे सचपास, सचपास में फिर माता रानी के दर्शन करा, फिर निकल के आगे से सचपास के मंदिर को क्रॉस करके हम आगे गए। हमें देखे भाई ये बर्फ के जो दीवार जो अभी तो पिघल के बहुत ही कम रह गए, अगर आप मतलब मेन सीजन में आओगे मतलब जनवरी या फिर दिसंबर में तो बर्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। इस पर अगर घूसा भी मारोगा तो तुम्हारा घूसा टूट जाएगा, पर ये नहीं टूटेगा, इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है ये। अभी नीचे उतर रहे, अब ठंड कम है, वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी यार मंदिर के पास, अभी नीचे चल रहे हैं। अब शायद जितना नीचे जाएंगे उतना ठंड कम हो जाएगा। और अभी सबसे बेस्ट पता नीचे उतरने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, अब क्या है बाइक को ना भाई ज़्यादा जोर लगाने नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी नीचे उतर रहे हैं ना तो ये देखो मैं तो स्लेटर दे ही नहीं रहा, अपने आप भाग रहा है। और यहाँ पे तोड़ते हम बर्फ़, देखो टूटता है। तो इन बर्फ़ की दीवारों को देख के मुझे लग रहा था कि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा ठोस हो गया होगा, और मैं ट्राई कर रहा था कि चलो इसको तोड़ के देखते, पर यह जैसे मैंने चाबी बर्फ़ के ऊपर ऐसे लहराया ना तो बर्फ़ ना ऐसा टूटने सा लग गया था। मुझे लगा भाई कि ये ना हो सकता फ्रेश स्नो हो या फिर पहले के स्नो हो जो इतना नहीं जमे जितना मुझे लग रहा था कि जमे हुए हैं। अरे चाबी गलत डाल लो, वो पता चले इसमें पानी घुस जा और ये स्टार्ट ही ना हो। भाई साहब अभी भी बर्फ मिल रहा है, समझ सकते हो कि भाई यहाँ ठंड कितनी होती होगी। और मैं कल दिन में नीचे की सेट से नीचे जब था ना तब मैं यहाँ का टेम्परेचर चेक कर रहा था, भाई साहब दिखा रहे थे रात तक माइनस में पहुँच जाता है, कई डिग्री माइनस में चला जाता तब, इसलिए जमा पड़ा ये, नहीं तो पिघल जाता। चलो यार निकल ले फटाक से, ठंड लग रही मुझे कसम से। और अभी कुछ दिन बाद ना यहाँ फिर से ये रास्ते बंद हो जाएंगे और बर्फ पूरा पूरे चारों तरफ बर्फ बर्फ दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो रास्ते हैं अक्टूबर के बाद में भी शायद नवंबर में पूरा रास्ता बंद कर देते हैं, इस यहाँ पे किसी को आने नहीं देते क्योंकि यहाँ पे बर्फ इतना ज्यादा गिर जाता है, कई मतलब 20-25 फुट के जो यहाँ पे दीवार बन जाती है बर्फों की। सूरज को ना बादलों ने घेर रखा है इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा सूरज, नहीं तो आ जाता। उस साइड देखो धूप है, इधर बादल, अच्छा इस पहाड़ ने ढक रखा है, इस ये वाला सामने वाला पहाड़ ने ढक रखा है, नहीं तो हमें भी धूप के मजे लेने का, नहीं तो हमें भी धूप का रोशनी के मजे लेने का मौका मिलता है। ये देखो शुरू भाई साहब देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे शुरू ये पहाड़, ये शुरू के जो है दीवार खड़े हैं। धीरे धीरे अपन ऐसे नीचे जा रहे हैं, और ये तालाब देखो और जितने में गिरे से उधर का पानी इधर बह बह के यहाँ आ रहा होगा। भाई साहब भाई कांप गया भाई, चलो यार निकल लो मैं कसम से, रुक जैसे रुक रहा ना हर चीज़ ठंडा हो जाता है भैंस क्या, मुंह हाथ ग्लव्स हाथ पे बहुत बुरा हाल है। देखो यहाँ पे कुछ बना रखा है जिससे पानी इस साइड जा रहा है इधर, अच्छा यहाँ पूरा ही बना हुआ है। भाई मैं धूप का इंतजार कर रहा हूँ जल्दी से धूप मिले, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हाथ की उंगलियाँ सुनसी हो गई है, दर्द हो रहा है उसके वजह से। रोड तो देखो भाई साहब बहुत ख़राब है भाई, चल चल अबे चल भैंस, पता नहीं था रोड कब बनेगा ये तो कुछ आइडिया नहीं है, पर अभी रोड बहुत ख़राब है। अब देखो यहाँ से नीचे उतरना है भाई, कैसे उतरूँ सिट यार। ओ भैंस चली, ओ ओ ओ ओ ओ रुक रुक, ओ ओ भाई स्लिप, टायर स्लिप कर रहे, दोनों पैर नीचे रखना पड़ेगा मुझे, पर दोनों रखूंगा यार तब ब्रेक कैसे मारूंगा। आगे वाला रखूंगा तो आगे स्लिप हो जाएगी यार, ये बहुत ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला सीन आ गया अभी तक, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से लेके अभी तक।
बाइक गिरने नहीं देनी यार, एक बार गिर चुका है नुकसान हो गया। ये जैरिकन टूट गया, जैरिकन के जो लॉक होता है ना वो टूट गया साला, कंपनी वाले भी साले प्लास्टिक के दे रखे हैं, टूट गया। अगर स्टील स्टील लोहे वोहे का होता तो टूटता नहीं। मैं आपको बता दूं, जो ये जो सच पास है ना, ये सच पास के जो रोड है, जो मतलब एक खुशनगरी से लेके जो किल्लार या किस्तावर तक के जो रोड है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस कह सकते हो। और इसको भी जो कहते हैं, ये जो रोड है वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोडों में से एक माना जाता है। और ये क्यों कहते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे आके समझ गया, क्योंकि आप लोग देख सकते हो रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद कैमरे में इतना अच्छा से नहीं दिख रहा हुआ जितना अच्छे से मतलब मैंने यहाँ पर रह के महसूस किया। रोड इतने ज़्यादा ख़राब थे, बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, और दूसरा चीज़ इतनी ऊँच 14,000 फीट के ऊपर है अभी, तो बाइक को भी दिक्कत हो रही है सांस लेने में, और भाई जो इंसान चला रहा है उसको भी दिक्कत हो रही है बाइक मतलब बाइक चलाने में। तो इन सब जो बाधाओं का सामना करना पड़ा था यहाँ पे, और दूसरी बात मैं अकेला था तो इसलिए मैं बाइक थोड़ा सा और धीरे चला रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था गिरूँ और फिर मैं बाइक को उठाने के लायक ना बचूँ। वो देखो यहाँ बाहर काट के रोड बनाया गया, वाह देख रहे हो कितनी मेहनत करी होगी जिसने भी बनाया, जिन लोगों ने भी बनाया। वैसे शायद BRO का टीम होते हैं, उन्हें वही लोगों का काम होता है यहाँ बनाना, पर यहाँ इतनी ठंड में ऐसे रोड बनाना भाई साहब कितना टाइम लग गया होगा, बहुत टाइम लग गया। इस बाहर को काटे में बहुत बड़ा बाहर है, ये देखो 25-30 फुट से ज़्यादा ऊँचा है। इतना आसान मतलब मुश्किल ऊपर आना था ना, उतनी ही मुश्किल जो है नीचे जाना भी है। इसके मुझे पेट्रोल की बदबू आ रही है, पता नहीं क्यों, बाइक ज़्यादा उछल गई इसलिए क्या, क्योंकि टैंक भी ना फुल ही है। मैंने टैंक फुल करवाया, जहाँ लास्ट पेट्रोल पंप था ना वहाँ से मैंने टैंक फुल करवा लिया था। वैसे पता नहीं भाई आगे क्या सीन है, आगे बता तो रहे थे किस तावर में है, मैंने फिर भी करवा लिया, पर यार पेट्रोल की बदबू आ रही है, मेरे हिसाब से शायद हिलने से आ रही है, टैंक फुल है, बार बार हिल रहा है ना उसकी वजह से खुशबू आ रही हो गई। और रोड अभी भी बहुत ख़राब है यार, बाइक भगा नहीं पा रहा हूँ, ये देखो क्या स्पीड चली, 10-20-15 बस, इससे ज़्यादा स्पीड ही नहीं जा रहा और भगा ही नहीं सकते इस पे ऐसे रोडों पे। तो और ऑफ रोडिंग टायर भी होता ना हॉन्ट का, तो भी मतलब तो चांस था कि भगा सकते थे, ये क्या स्पोर्ट टायर है इसके अंदर, इसीलिए दिक्कत है। और भाई झटके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तब खतरनाक वाले झटके लग रहे हैं, बहुत खतरनाक वाली खाई है। पीछे से कार आ रही, टैक्सी आ रही है, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ ताकि कुछ जगह मिल जाए। स्कॉर्पियो भाई, स्कॉर्पियो टैक्सी में लगा हुआ यहाँ पे, तो वैसे ही इस साइड देखो, जिस जहाँ उस साइड नंगे पहाड़ थे जहाँ पर घास फूस नहीं था, इस साइड देखो इस साइड सारे पहाड़ों पर घास फूस है, इधर साथ बर्फ कम गिरता क्या, नहीं यार ये देखो यहाँ तो बहुत सारे बर्फ का पूरा चट्टान लगा पड़ा हुआ है इधर भी, पर उस साइड घास फूस भी कम है और इस साइड बहुत ज़्यादा घास फूस है, मतलब हो सकता है इधर कम गिरता हो बर्फ, इधर बर्फ है दिख भी नहीं रही इस पर, उधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, इस पाले पहाड़ पर इस पर नहीं है, ऐसा सीन चल रहा है। और देखो अभी इस रास्ते से जाना, ये वाला रास्ता भी सेम वैसा ही है भाई, बहुत हालत ख़राब रही, ये मेन ना ये दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं, बस ये दोनों हाथ सही हो जाए फिर तो कहीं भी चले जाएंगे, पर ये हाथ दर्द कर रहे हैं यार, थोड़ा सा यार रेस्ट करते फिर निकलेंगे, थोड़ा सा हाथों को ना धूप लगा देता हूँ क्योंकि ठंड लग गई है इसको। तो अभी एक चीज़ सही हुआ है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे जो है ठंड जो थोड़ा कम हो रहा है, और धूप की जो ये जो रोशनी है सूरज की जो रोशनी ये बनी हुई है, जैसे ऊपर हो रहा था ना बार बार बादल आ रहे थे रोशनी ढक जाती थी, वो अभी यहाँ नहीं हो रहा, लो नाम लिया और यहाँ भी हो गया अरे वैस क्या, अरे यार ऐसा मत बोलो
मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुमने तो ऐसी तैसी कर दी। लो भाई, मैं तो बोल रहा था, इतनी देर सोच रहा था मैं वीडियो बना के बोलूँ, वो लो ढक दिया। पर यह है कि ढकने के बाद भी ठंड उतना नहीं हो रहा, और ये भी ना सुन ले फिर ठंड कर दे आगे, और यहाँ तक मिट्टी वाला पहाड़ आ गया एकदम, मिट्टी मिट्टी सा है, पर साला रोड में पत्थर है ही, पता नहीं कहाँ से। और अभी भाई सही है, थोड़ा सा मतलब झटके कम लग रहे, ऊपर जहाँ जितना ज़्यादा लग रहा था ना उतने ज़्यादा झटके अभी नहीं लग रहे नीचे। और आप लोगों को कैमरे में दिख मतलब दिख रहा होगा कि देखो रोड सही है, एकदम सही है, ऐसा दिख लग रहा होगा कि भाई प्लेन है, पर साला जब वहाँ जाओ पता चलता है प्लेन नहीं है भाई, नीचे पत्थर, ऊपर खाबर है, ऐसा सीन है, ऐसा आँखों को भी ऐसे दिखता है कि रोड प्लेन है भाई, वहाँ जाकर पता चलता है भाई रोड प्लेन नहीं है, ये तो आँखों नज़रों का धोखा है भाई, धोखा दे दिया धोखा। और जैसे अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ ऐसा लग रहा है वो पहाड़ उधर भाग रहे हैं। अभी पता नहीं शायद कितना दूर जाना है, क्योंकि अब क्या है नेट भी नहीं चल रहा, मतलब नेटवर्क ही नहीं है और नेट चलेगा भी नहीं, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करें। मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड भी करा साला, पता नहीं क्या है चल ही नहीं रहा बार बार। और जब ऑफलाइन मैप डाउनलोड करा तो भाई ऑफलाइन चलना चाहिए ना, वो साला इंटरनेट मांग रहा है, पता नहीं क्या सीन चल रहा भाई इसका। और जब से डाउनलोड करा तब से साला अपडेट मांग रहा था, अपडेट रोज़ अपडेट रोज़ अपडेट, तो मैंने रोज़ अपडेट करता रहता था उसको जब मैं दिल्ली में था। ये साले पता नहीं क्या नकली ऑफलाइन मोड आ गया इसका, कुछ काम का नहीं आया यार। तभी बस फिलहाल देखो ऐसे चल लो, उछलते कुचलते वो भाई साहब। अभी और नीचे जाना, अगर आपको शायद यहाँ से दिख रहा हो वो देखो, वहाँ झिकझक करके भी उधर उस साइड जाना है, तभी नीचे जा रहे हैं हम तो शायद। तो पर ये एक चीज़ है, नीचे जाने का एक बेनिफिट है भाई, ठंड कम लग जाएगी, ठंड कम रहेगी, ये बेनिफिट होगा। हाथ वाथ काम तो करेंगे कम से कम झटके जितने भी लगे, तो ये बेनिफिट रहे मेरे लिए। बाकी तो भाई हम चल रहे, और बगल में देखो खाई है बहुत खतरनाक वाली, और नदी के ऊपर बर्फ़ जमा पड़ा है कहीं कहीं, देखो अगर आपको दिख रहा हो तो, और बर्फ़ के नीचे से पानी बह रहा है, उधर धूप है, इधर अभी तारीफ कर रहा था धूप से इधर गायब हो गए, उधर अब उधर चला गया। तारीफ नहीं करना चाहिए था क्या, चलो अब धीरे धीरे आ रहा है। तो सचपात जो हमें चंबा साइड से आया, और फिर मैं किल्लार के किस्तावर के साइड होते हुए श्रीनगर के साइड जाऊंगा सचपात को क्रॉस करके, और इधर आके जो कई सारे रोड ऐसे मतलब ऐसे ऐसे टर्न देखने को मिले जहां पे रोड बहुत ही ज़्यादा छोटा है और नीचे जो है खाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और वो बिल्कुल भाई तुम्हारे आँखों के सामने दिख रहा था कि नीचे बहुत खाई है, रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और रोड काफ़ी छोटा, मतलब आमने सामने से कोई कार वार आया गाड़ी वाड़ी आई तो तुम्हें रुकना पड़ेगा या फिर क्रॉस करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं जब निकला था दिल्ली से मैं सोचता यार मेरे यार दोस्त को एक ना एक साथ होते, पर जब मैं इन रास्तों को क्रॉस कर रहा हूँ तो मैं फिर शुक्र मना रहा हूँ कि मैं अच्छा हुआ मैं किसी और को लेके नहीं आया, क्योंकि हो सकता कि मैं संभाल पा रहा हूँ, क्या पता वो नहीं संभाल पाता, मतलब कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे जब सतपात साहब बिल्कुल नीचे आ जाओगे ना तो यहाँ पे दो ढाबे दिख जाएंगे आपको खाने पीने के लिए, खा वो सकते हो पी सकते हो जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। एक ही रहा ये भी सीजन वाला ही है। यहाँ पर देखो भाई साहब काफ़ी ऊंचा झरना है, यही गिर रहा सीधे, और अपन यहाँ पे और नीचे देखो बर्फ़ जमा हुआ है। नदी में बर्फ़ जमा हो रहा भाई, उधर धूप उधर देखो उधर से बर्फ़ नहीं गिरता यार, पेड़ पौधे उगे हुए पता नहीं क्यों, और पेड़ भी बड़े बड़े पेड़ उगे हुए। और अभी देखो यार इसी टूटे फूटे रास्तों से हमें जाना है, तो भाई साहब हालत ख़राब हो रही है क्या बताएं, बस चल रहे फिर भी क्या करें। भाई साहब ये यहाँ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है, और साला ब्रेक मारो तो पीछे का टायर स्लिप हो रहा है, देख रहे हो भैंस की आँख यार, मैं बाइक उछलना नहीं, मैं नहीं चाहता कि बाइक उछले और बाइक नीचे गिरे। भाई साहब जो वाटरफॉल है ना उस वाटरफॉल से यहाँ तक आने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि रोड पे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए साले, ये बड़े पत्थर जो ना बहुत तकलीफ देते यार, मतलब इससे तुम बाइक चला ही नहीं सकते, ऐसे हो जाते हैं भैंस। छोटे पत्थर चलो कोई दिक्कत नहीं, बाइक भगा लो, बड़े पत्थर पर बहुत दिक्कत आती है। अभी देखो हम अगर ये आपको दिख रहा हो तो ये देखो नीचे ही जा रहे हैं, अभी अब तो नीचे ही जाना अभी हमें तो, पर नीचे जाना भी बहुत मुश्किल है भाई। भाई बहुत ज़्यादा छोटा हो गया रोड, नीचे खाई यहाँ पर ऊपर खाबर रोड, और भैंस भाई ऊपर से पानी भी टपक रहा है, देखो बूंद बूंद टपक रही है ऊपर से पानी, रोड भाई बहुत ज़्यादा यहाँ की ओ छोटी सी हो गई यार,
सामने से गाड़ी आ गई तो रुकना पड़ेगा। ओ भैंस की आंख, अरे यार सिट। ओ भाई काम खराब हो गया यार, काम खराब हो गया, गीला हो जाऊंगा। भाई ये तो रोड पे गिर रहा बिल्कुल। इधर से थोड़ा स्पीड में निकालना पड़ेगा नहीं तो मैं गीला हो जाऊंगा। इधर से निकालूंगा यार, स्पीड में भी निकाला साला नीचे गिर और स्लिप होने का ज़्यादा चांस है यार। शिट, तो पानी देखो भाई बिल्कुल यहीं गिर रहा साला। चलो यार इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, मैं गीला नहीं होना चाहता, यहाँ यहाँ से निकालूँ थोड़ा स्पीड में। यार जूते भी गीले हो जाएंगे, भैंस का सारे नुकसान मेरे ही है। अरे वाह, अरे निकल गया मैं तो। अरे यार चलो ये सही हुआ, मतलब बिना कुछ गीला फीला हुआ निकल गया मैं। वो बार बार जैसे हवा चल रहा था ना तो इस सर आ रहा था, वो हवा नहीं चल रहा था, वो बीच में रुका रहता था। चलो ये मेरे लिए सही हो गया यार। तो इस जगह की हालत देखो, देखो नीचे इतना गहरी खाई है और देखो रोड काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया और ऊपर से जो है वाटरफॉल गिर रहा, वो भी उस साइड से, मतलब बीच रोड पे नहीं गिर रहा। मैं बस गीला नहीं होना चाहता था और यहाँ पे आके सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और अपने आप में हंसी सी भी आ रही थी, पता नहीं क्या, मतलब ऐसा लगता मैं पागल वागल सो गया। काफ़ी तेज़ हंसी छूट रही थी मेरी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, ऐसी हालत हो रही थी इस जगह पाके। मुझे लग रहा था कि अब भाई बाधाएं कम हो गई, पर बाधाएं जो है अभी और भी ज़्यादा मेरा इंतजार कर रहा था, ऐसा मतलब फीलिंग सी आ रही थी। और इन नज़ारों को देखो और यहाँ की रोड कंडीशन देख के ऐसा ही लग रहा था। यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है इसलिए मैं यहाँ छुप के बना रहा हूँ। यार सच बताओ तो इसको पार करना ही ना, अगर आप जब सच पास से आप किधर किल्लर की साइड आओगे, किस्तावर की साइड आओगे, तो इसको पार करना एक अलग से अचीवमेंट है भाई। नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा। कई कई जगह पे तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर आ गए और नीचे खाई और टायर स्लिप हो रही है भैंस, क्या पता नहीं। तो एक अलग अचीवमेंट है कसम से, इनको जो भी बंदा पार करता है ना उसको एक गवर्नमेंट के द्वारा ना सर्टिफिकेट देना चाहिए। ठीक भाई, इस बंदे ने ना इसको पार करा भाई, बहुत खतरनाक सड़क है, बहुत ही खतरनाक। अभी देखो और हमें नीचे जाना है, ये देखो ये से जिग-जैग करते करते, और देखो ये देखो ये देख रहे हो ये भाई बर्फ जमे पड़े और नीचे से पानी बह रही है, सेम उस साइड भी है, वो देखो वहाँ पर भी। और अभी बहुत दूर तक जाना है यार, वो देखो उधर तक जाना है। इधर सो क्या है कहीं के जगह, तो मुझे लगा भाई अब मैं तो अब गया, बस संभल गया, पता नहीं कैसे संभला, मुझे खुद ही नहीं पता, बस संभल गया। पर बहुत खतरनाक रास्ता है ये, देख रहो ये जो रूट है ना, ये वाला जो रूट, इसमें ऐसा जूम करने पे भी नहीं दिख रहा क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही है। ये वाली जो रूट है ना, उधर उतरने में भाई, चढ़ने में उधर से जब चढ़ा था ना उतना मुश्किल ही था जितना मुश्किल उतरने में है यार। अभी इधर का रोड फिर भी थोड़ा ठीक है, आगे का पता नहीं क्या, कुछ नहीं कह सकता क्या है कैसा है और कैसा रहेगा, पर भाई जो भी रहा यार अभी तक ठीक है। बस भगवान से दुआ आगे भी सही रहे, बस गिरने मत देना यार प्लीज़, क्योंकि उठाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं चल रहा हूँ अभी फिलहाल, बस अभी एक स्कोर पे आगे चला गया और अब कोई भी नहीं है। मज़ा आ रहा है पर डर भी लग रहा है, बहुत खतरनाक वाला डर लग रहा है। काफ़ी देर से नंगा पहाड़ देखने के बाद यहाँ पा के मुझे जो जंगल दिखा, और ये जंगल भी एकदम सुनसान, काफ़ी टाइम से मैं चल रहा हूँ भाई, कोई भी नहीं है, ना घर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं दिख रहा। काफ़ी दूर जाके एक घर दिखा, फिर मुझे लगा कि अब क्या है लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। ओ भाई साहब इसको देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी भाई, तरस गई थी भाई, मिन्नतें मांग रहा था मैं भैंस की आँख भाई। बहुत खतरनाक रोड है, बहुत खतरनाक रोड है, इतना खतरनाक रोड की हालत की ना बैंड बज गई, हालत समझ रहे हो, बैंड बज गई इसकी भाई। बहुत इतना मैं मतलब वो हो गया था कि भाई क्या हुआ, क्यों आ गए, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी भाई। फाइनली जाके ये आए, अब रुक जा पुल पे चलते फिर बात करते हैं कि भी हालत ख़राब है भाई। पुराना पुल देखो, लकड़ी का बना हुआ,
और इसकी नई वाली की भी हालत खराब है भैंस। क्या जब मैं इस पुल पे पहुंचा ना और इसकी हालत देख के तो भाई और भी ज्यादा मतलब हालत खराब सी होगी कि भाई क्या है ये पुल है क्या है। पुल इतना ज़्यादा ख़राब था और इतना ज़्यादा मतलब जड़जड़ सा हो गया था। मुझे लगा था मैं इस पे बाइक लेके जाऊंगा और ये पुल जाएंगे भाई नीचे नदी में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही आराम से और सही सलामत मैं पुल को क्रॉस कर गया, और कैसे क्रॉस करा वो मुझे ही पता है। ये जो मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ ये वाला रोड भाई बहुत खतरनाक रोड यही जो आपको सचपास से लेके इधर आता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक ठाक रोड है और ये भी कहीं कहीं जगह पे टूटे फूटे हैं। अभी देखते हैं आगे जाके क्या सीन है, क्योंकि अभी भी शायद 2-3 किलोमीटर बाद जाके जो हमें एक लेफ्ट साइड के मनाली और राइट साइड मनाली लेफ्ट साइड जाके श्रीनगर या किस्तावर की साइड होता हो जाएगा, तो अभी वहाँ चलते हैं। ओ भाई भगाने का मन बहुत है, भगा रहा हूँ बस मैं इस पर। तो देखो जब आप सचपास से होते हुए आओगे, आप इस ये रास्ते से नीचे सचपास होते आओगे पीछे वाला रास्ता, ये रास्ता देखो ऑफ रोडिंग वाले, तो इस जगह पर आके अब लेफ्ट लेके चले जाओगे आप सीधे श्रीनगर किस्तावर की साइड, और राइट लेके चले जाओगे मनाली की साइड। ये मनाली जाता, ये जाता भाई श्रीनगर किस्तावर की साइड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है किल्लार इस साइड जाके, इस साइड श्री मनाली वाले रोड पे, और अभी हम चल रहे इस साइड।